साथियों नमस्कार, मैं अलवर से पप्पू भाई प्रधान, प्याज का थोक व्यापारी। मैं हिंदुस्तान के प्याज के व्यापारियों से और किसानों से निवेदन करना चाहूंगा कि प्याज में इस बार सामान्य भाव रहते हुए नजर आते हैं। पिछले दो सालों में जिस तरह की तेजी रही, ऐसे बाजार नजर नहीं आते हैं। उसके कारण आप सब लोगों को भी जानकारी है कि इस बार अन्य राज्यों में जो पिछली वर्ष बरसात तेज होने की वजह से वहां की फसल खराब हुई, स्टॉक भी कम था, इस बार सभी जगह पैदावार अच्छी है, स्टॉक में भी प्याज बहुत है और कंजप्शन भी घटा हुआ है। और अलवर में इस साल प्याज का लगान लगभग पिछले साल के मुकाबले डेढ़ गुना है और उससे ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग 40-45 हजार बीघा में प्याज लगने की उम्मीद है। प्याज के जब निकास होगी अलवर की, तब सामान्य भाव मिलेंगे। इसलिए किसान भाई और व्यापारी भी इस बात का विशेष ध्यान दें कि प्याज में अंधी तेजी ना समझे और प्याज में बहुत ज्यादा ध्यान देते हुए फसल को लगाएं। इस बार अलवर में एक बीघा में 65 हजार रूपये की लागत नजर आती है। प्याज के बीजों में बहुत तेजी है, इसलिए आप इस बात को ये ना समझें कि मेरा कोई स्वार्थ है या अलवर के किसानों को मैं कोई लाभ दिलाना चाहता हूं। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि प्याज में इस बार सामान्य भाव रहते हुए नजर आते हैं। ऐसा ना हो कि अपन लोग तेजी के चक्कर में अधिक प्याज लगा दें, व्यापार में नुकसान कर लें और अपनी पूंजी को खत्म कर लें। इसलिए सब लोगों से निवेदन है, होशियारी से, समझदारी से प्याज के कारोबार पर ध्यान दें। बहुत से लोग इस वीडियो को देखकर कहेंगे कि पप्पू प्रधान अपने किसानों को लाभ देना चाहता है, अपने व्यापारियों को लाभ देना चाहता है। मैं केवल और केवल मात्र चाहता हूं कि किसानों को उसकी उपज का वाजिब दाम मिले, व्यापारियों को व्यापार करने में दो पैसा मिले और सब लोग सुखी, समृद्ध और आशा का व्यापार करें। इस व्यापार को किसी भी तरह से आंख बंद करके नहीं करें। आने वाले समय प्याज का बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, सामान्य भाव रहते नजर आते हैं। ऐसा मेरा आप लोगों से निवेदन।